तो अभी अभी हम सुरकंडा देवी माता मंदिर में पहुंचे और हमने दर्शन कर लिए हैं। तो सुबह का समय है, हम सब तैयार हो चुके हैं। तब अनूप भाई बताएंगे आज हम कहाँ जाने वाले हैं। आज हम जाएंगे सुरकंडा। अच्छा, और अब हम सुरकंडा देवी के प्रवेश द्वार में आ गए हैं। पीछे आप ये मार्केट देख रहे हैं, ये मार्केट है, यहीं से सुरकंडा माता के लिए जाते हैं और आगे की ओर चलते हैं, माता के दर्शन करते हैं। जय माता दी। अभी और आगे है, लंबा रास्ता है। कुछ ही दूरी पर माता सुरकंडा देवी का मंदिर है, तो आप यहाँ आने के लिए ट्रॉली से भी जा सकते हैं। ट्रॉली यहाँ बीच में रुकी है, पीछे देख रहे होंगे आप। तो अभी थोड़ा और आगे है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। काही रे मैया तेरी आरती बनावा, काही रे मैया तेरी। आज मेरे साथ है अनूप सिमार ब्लॉगर। तो हम जा रहे हैं माता सुरकंडा देवी के मंदिर में। ये अनूप सिमार ब्लॉगर हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे ब्लॉग के लिए? हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम दोनों साथ में आए सुरकंडा मंदिर दर्शन करने। माता की डोली भी आई हुई है, तो दर्शन करेंगे हम सुरकंडा माता का। आइए चलते हैं मंदिर की ओर। आरती बनावा काहे दीपावा विच, बाकी मंदिर विच आरती जयमा, सुहे चोलिया वाले आरती सुरकंडा की देवी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। आप पीछे देख रही हैं माता का दिव्य भवन, दिव्य मंदिर, और भक्तों की लंबी लंबी कतारें। अधिक से अधिक यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, तो दिखाते हैं आपको, माता के दर्शन करवाते हैं। चरना तू जावा बल हारू।
है। तो अभी अभी हम सुरकंडा देवी माता मंदिर में पहुंचे और हमने दर्शन कर लिए हैं। तो मेरे साथ अनूप सेमाल ब्लॉग और मेरा चैनल का नाम है एवन सेमाल। तो आप इन चैनलों को सब्सक्राइब करके शेयर करके माता के कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। तो आप यहाँ का दृश्य देख रहे हैं, माता का बड़ा भव्य दृश्य है। यहाँ आने के लिए आप ऋषिकेश शहर होकर फिर आगे का बताएंगे, हमारे अनूप सेमाल ब्लॉग बताएंगे कैसे कैसे आना है। यहाँ ऋषिकेश से चंबा और चंबा से धनौल्टी वाले रूट पर है ये, और धनौल्टी से आप ट्रॉली धनौल्टी से 8 किलोमीटर पीछे है, वहाँ पे आप ट्रॉली से भी आ सकते हैं और पैदल भी। बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है, टू व्हीलर में तो बहुत ही आनंद है। और मौसम का मजा लें।